एक ऐसा त्योहार है जो न सिर्फ रंगों से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये दिल से दिल का जुड़ाव है। और इतनी बातें हैं इस होली के साथ, और साथ में अगर पकवान की बात ना हो तो फिर होली होली नहीं रह जाएगा। तो आगे मैं सुप्रिया मैडम से जानना चाहूंगा कि होली के त्योहार पे इतने सारे पकवान पकाए जाते हैं, इसका क्या जरूरत है? बात ये है कि रिश्तों के बीच में जो मिठास होती है, हमारे ये कहावत है कि रिश्ता जो होता है पेट से होकर गुजरता है, यानी पेट यानी हमारा मुंह के स्वाद से। तो इस दिन हमारे होली के शुभ उपलक्ष्य पे हम लोग खुशियाँ बांटते हैं, खुशी का त्योहार है मनाते हैं। इसलिए हम लोग घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, जो जिस तरीके से है, जो गरीब है अमीर है, सब लोग अपने तरीके से अपने यथाशक्ति पकवान जरूर बनाते हैं। मिठाई हो, पुआ हो, जो भी हो, सब कुछ जरूर बनाते हैं। आपके पकवानों को सुन सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है मैम। चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं डॉक्टर भारत सर से जानना चाहेंगे कि क्या पकवान में आपका क्या नजरिया है। देखिए, हिंदुस्तान का अगर भोजन देखा जाए तो औरों जगह से अलग है। लोगों का करना कमाते क्यों है? अगर अच्छी तरह से हम खाने नहीं सकते तो कमाने से कोई फायदा नहीं है। और त्योहार में लोग इंतजार करते हैं कि उस दिन फुर्सत में रहते हैं, लोग काम को छोड़ देते हैं और पूरे परिवार के साथ बैठकर सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते हैं और इंटरेस्ट लेकर खाते हैं। भले पेट खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन खाना खाने में कोई पीछे नहीं रहते। यही तो अपना भारत है। होली में ये कहते हैं हुड़दंग का त्योहार है, तो किसी ने चार लाइन ये भी लिखा है कि होली का हुड़दंग निराला, होली का हुड़दंग निराला। मंगरू ने गधे को डांटा, कसकर एक लगाया चाटा, उलट गिरे होली का साला, होली का हुड़दंग निराला।